के आरोग्य सभा में हम लोग कुछ दिनचर्या के बारे में, रतिचर्या के बारे में समझेंगे, जिससे हमारा जीवन कैसे स्वस्थ हो सके। सबसे पहले हम लोगों को रात में जितना जल्दी हो सके उतना सो जाना है, और जितना जल्दी हो सके उतना हमें भोजन कर लेना है। रात में भोजन करने के बाद सभी लोगों को वज्रासन में 5 मिनट बैठना है। बैठ के दिखाइए थोड़ा, इस प्रकार से। खाना खाने के बाद दिन हो या रात हो, इस आसन में बैठना है। इसका नाम है वज्रासन। आप लोग बैठ जाइए इसी आसन में, बहुत अच्छा। हनुमान जी को देखे होंगे गदा लिए हुए ऐसे हमेशा। जिनका गैस कब्ज का समस्या है, 99% गैस कब्ज की समस्या केवल वज्रासन में 10 दिन बैठ के देखिए, खत्म हो जाए। दूसरा, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठेंगे रात में, और 100 कदम टहलना है। कितना कदम? 100 कदम। 100 कदम टहलना है, चाहे घर का आंगन हो या अपना घर हो, 100 कदम टहल के, और 2 घंटे के बाद सोना है। कितने घंटे के बाद? 2 घंटे के बाद। अभी ना खाना खाई नहीं, जो पसर गए क्या? आजकल तो ठंडा में क्या कर रहा है लोग, वही पलंगे पखा तलो, वही जहाँ चावल तलो, वही जो पसर जाता तो पचेगा। टहलना है, 2 घंटा जगना। उस 2 घंटे में आप चर्चा कर सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, या कोई भी दूसरा कोई काम कर सकते हैं। उसके बाद जैसे रात को 8 बजे खाना खाए तो सोना है कई बजे? 10 बजे, 2 घंटे के बाद। और खाना खाते समय पानी पीना है कि नहीं पीना है? नहीं पीना है। खाना खाते समय पानी बिल्कुल नहीं पीना है, एकाध घोट पीना है, और खाना खाने के 45 मिनट के बाद पानी पीना है। कितना मिनट के बाद? 45 मिनट। पौने घंटे के बाद पानी पीना है, और किसी को अटकने लगे यदि ज्यादा तो एकाध घोट पी सकता है। खाना खाते समय लोग लोटा के लोटा पानी पी रहा है, नहीं पेट फुला के ऑफर अदाई हो दादा बुझा दे के जान गई। पानी नहीं पीना है। देखा ढेर लोग हरिया में भोजन रखा था, और वही हाथ हाथ जग में पानी एगो गिलास मारे के जोगाड़ खाते धैले। ऐसे पानी पीना नहीं है खाते समय, उसको गैस कब्ज की समस्या कभी नहीं होगी। और गैस कब्ज नहीं होगा तो ना आपको घुटना में दर्द होगा, ना आपको हार्ट अटैक होगा, ना अन्य प्रकार की आपकी बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा, सोने के बाद सुबह में 4 बजे जग जाना है। कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे जगना है, और जगने के बाद सबको, बड़े लोगों को 3 गिलास पानी पीना है, यानी 1 लीटर, और छोटे लोगों को 1 गिलास। कितना पीना है बच्चों को? 1 गिलास। सुसुम पानी पीना है, जबरदस्ती पी जाना है, ठीक है? और उल्टी जैसा मन करे किसी को तो खड़ा होकर के और कमर से आगे झुका के मुंह में 3 घोंगरी घुसा के 2-3 बार अंदर बाहर करिएगा तो सब पानी का हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जितना आमाशय का कचरा है सब बाहर निकल जाएगा। किसी को देखते हैं ना, वो तो धुआं ढकार आता है, या छाती पे जलन होता है, ऊपर से ढकार मारता है, नीचे से ढकार मार रहा है, अगल बगल का वातावरण गंदा कर देता है दिन रात। वैसे लोगों के लिए गर्म पानी अमृत के समान है। गर्म पानी जो पिएगा, 99% घुटना का दर्द, गठिया सेटिका, कमर दर्द केवल गर्म पानी से ठीक हो जाएगा। दूसरा, कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, और नस नाड़ियों में किसी प्रकार का अवरोध नहीं उत्पन्न होगा। अन्य सभी समस्याओं को दूर करने के लिए केवल गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए। लगभग 99% बीमारी तो किससे ठीक हो जाएगी? केवल गर्म पानी पीने से।